सदियों पहले उत्तर हिमालय चंद्रचूर पहाड़ पर एक राक्षसिनी वास करती थी। उसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। उसकी माँ की ये इच्छा थी कि उसका बेटा जब विवाह के लायक हो जाएगा तब वो एक राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करवाएगी। दक्षिण में एक राज्य था सेतपुर। वहाँ के राजा की एक लौती कन्या रूपमती। राजकन्या रूपमती विवाह लायक हो गई है, अब उनके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता। मुझे लगता है महाराज राजकुमारी का स्वयंवर करवाना चाहिए। उधर गुप्तचर के द्वारा राजकुमारी की स्वयंवर के बारे में प्रचंडा भी जान गई। महाराज शतंकर की एक लौती कन्या रूपमती का स्वयंवर की आयोजना शुरू हो गई। राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उसके बाद राजकुमारी को छुड़ाने के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमार आए और सेनाओं के साथ चंद्रचूर पर्वत की ओर सब निकल पड़े। ये तो असंभव है। मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। सुनो तुम लोग, ये तो सोने का हिरन है। इसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाएगी। राजकुमारी, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, सोने का हिरन। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने पिता श्री के पास जाना चाहती हूँ। राजकुमारी, कौन है आप? मैं आपको बचाने आया हूँ। राक्षसिनी का पुत्र दानव, वो जब आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके पता लगाइएगा उन लोगों का जीवन शक्ति कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। मैं यही पे छिपा हुआ हूँ। राजकुमारी, इस नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह तय हुआ है। सच में? तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर लगता है तुम्हें मार के दूसरे राक्षस मुझे खा लिए तो। हाँ, मुझे और मेरे माता श्री को मारना इतना आसान नहीं है। मेरी माता श्री और मेरा जीवन एक जलाशय के अंदर संदूक में है। कहाँ है सोने का संदूक? दक्षिण दिशा में जलाशय के नीचे अटल में एक सोने के संदूक में हम दोनों के प्राण है। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। जल्दी आइएगा। तुम चिंता मत करो। राजकुमारी, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद राजकुमार जलाशय की ओर पाताल में रवाना हो गए। ओ रहा, सोने का संदूक। आ, 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 आ,
ये नहीं लगता कि राजकुमार सूर्य प्रचंडा और उसके पुत्र को राजकुमार उन दोनों का बात करके गुनाह किए हैं। राजकुमारी दानव के साथ छल की थी और प्रचंडा ने भी राजकुमारी को अगवा की थी अपने स्वार्थ के लिए, इसीलिए राजकुमार ने प्रचंडा और उसके पुत्र का हत्या करके कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए अब मैं चला महाराज। हा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